अरे सनी पाजी, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरी फिल्म जीवघाटो की लोग तारीफ ही कर रहे हैं, लेकिन फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में कोई नहीं जा रहा है। अरे दो दिन की फिल्म की कमाई सिर्फ 1 करोड़ रुपए। अरे ये लगता है मुझे फिल्म बहुत बुरी फ्लॉप साबित होगी। मैं आपसे पूछता हूँ सनी पाजी, नाना पाटेकर जी, नवाजुद्दीन भाई, अक्षय भाई, आप ही बताओ, मेरी फिल्म जीवघाटो में कोई कमी है जो पब्लिक देखने के लिए नहीं जा रही है? अच्छा कपिल, एक बात बता, मेरी फिल्म सेल्फी में कोई कमी थी जो पब्लिक देखने के लिए नहीं गई? बता, सेल्फी में तो बड़े बड़े स्टार थे, मैं भी था, इमरान हाशमी भी था, फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। चलो कम से कम ये सोचकर तो खुशी हुई, मेरी फिल्म ने कम से कम पहले दिन 2 करोड़ तो कमाए थे। तेरी फिल्म ने तो सिर्फ लाखों में कमाई की है, करोड़ तक पहुंची नहीं पाई। लेकिन अक्षय, कपिल शर्मा, तुम्हारी फिल्मों का हाल देखकर तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं ऐसा लग रहा है मेरी फिल्म गदर 2 भी ऐसी ना हो जाए। लेकिन वो सब छोड़ो कपिल, एक बात बताओ, तुम घर घर हमसे ये खाने की डिलीवरी करवा रहे हो, इससे तुम्हारी फिल्म का प्रचार हो जाएगा? अब चल जाएगी तुम्हारी फिल्म? अब तो डाउन हो गई फिल्म बिल्कुल। अरे सनी पाजी, मैं आप सब लोगों से इस खाने की डिलीवरी करवाकर अपनी फिल्म का प्रचार कर रहा हूँ, मुझे अब भी भरोसा है कि मेरी फिल्म चल सकती है। अच्छा सनी पाजी, एक बात बताओ, आप एक बंदे का पिज्जा डिलीवरी करने के लिए गए थे, उसका बार बार फोन आ रहा है, क्या उसको पिज्जा देकर नहीं आए आप? देख कपिल, जिस बंदे का तूने पिज्जा डिलीवरी करने के लिए भेजा था उसका पता मैं भूल गया। फिर सनी पाजी, आपने उस पिज्जे का क्या किया? करता क्या, मैं पिज्जा लेकर अपनी गड्डी से निकला, रास्ते में एक मोड़ आया, मैं पिज्जा वहीं पर छोड़ आया। अरे सनी पाजी, करवा दिया ना आपने नुकसान, एक तो फिल्म वैसी घाटे में चल रही है, ऊपर से जो डिलीवरी करने के बाद पैसे मिलते वो भी पैसे चले गए सब। अरे नवाजुद्दीन, कैसे चुप खड़े हो? अरे कपिल, चुप कैसे खड़ा हूँ, तुम्हारी फिल्म का हाल देखकर कभी कभी ऐसा लगता है मैं हमेशा के लिए डिलीवरी बॉय बनकर सबको खाना खिलाऊं। लेकिन नाना भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप कैसे हुई, करोड़ तक भी एक दिन में कमाई नहीं कर पाई। ये बता कपिल, तू अच्छा खासा कॉमेडियन है, तुझे क्या जरूरत थी इतनी सीरियस फिल्म करने की? ऐसे रोल तो हमारे लिए बने होती है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हमें तो फिल्में ही मिलना बंद हो गई। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।